नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बॉलीवुड की देसी गर्ल कही जाने वाली अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का सिक्का आज पूरी दुनिया में चलता है। उनके फैंस न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं। प्रियंका चोपड़ा उन चुनिंदा बॉलीवुड अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने हॉलीवुड तक का सफर तय किया है। साधारण और गैर फिल्मी परिवार से आने वाली प्रियंका ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर यह मुकाम पाया है। आज वो उस स्टारडम को जी रही है जिसे पाना हर किसी का ख्वाब होता है। लेकिन प्रियंका जिस मुकाम पर आज है वो प्रियंका चोपड़ा के लिए आसान नहीं था। देखिए ये रिपोर्ट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में 20 साल का सफर तय कर दिया है। बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के तौर पर शुरुआत करने वाली प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल आइकन के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन किसे पता था बचपन में जिसे सब काली कलूची कहकर चुड़ाया करते थे वो लड़की एक दिन दुनिया में अपनी खूबसूरती का लोहा मनवा कराएगी। जी हाँ, बचपन में प्रियंका चोपड़ा सांवले रंग की थी। आज कोई भी उनकी एक झलक देखकर दीवाना हो जाता है। उसी प्रियंका को कभी उनकी नाक की बनावट तो कभी अपने सांवले रंग के लिए ताने सुनने पड़ते थे। अगर उन्हें अपने माता पिता का खुला समर्थन न मिला होता तो वो आज इस इंडस्ट्री पर राज नहीं कर रही होती। पीसी की मां के एक फैसले ने बदली थी उनकी जिंदगी। प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था और सिर्फ 13 साल की उम्र में पीसी पढ़ाई करने के लिए बोस्टन चली गई थी। जब पीसी विदेश से वापस आई तो उन्हें उनकी आंटी काली कलूटी कहकर चुड़ाती थी। किसी भी आम बच्चे की तरह प्रियंका का आत्मविश्वास भी खोने लगा। उधर उनके पिता उन्हें हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए तैयारी में लग गए। तब उनकी माँ ने ऐसा कदम उठाया जिससे पीसी की जिंदगी ही बदल गई। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए उन्होंने पासपोर्ट साइज की तस्वीर खिंचवाई थी उन्हें उसकी मां ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भेज दिया। और तो और उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तभी एक दिन कॉल आया कि उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रियंका का सिलेक्शन हो गया है। तब जाकर सबको इस बात की खबर लगी। प्रियंका ने कॉन्टेस्ट में दूसरा स्थान भी हासिल किया और उसी साल मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया। इंडस्ट्री में आने के कुछ साल बाद उन्होंने नेशनल अवार्ड जीतकर हर तरह से क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए। प्रियंका के नाम मैरीकॉम, बर्फी, फैशन, डॉन सीरीज, कमीने, एतराज जैसी कई सुपरहिट फिल्में हैं। तमिल फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली प्रियंका चोपड़ा आज विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रही है। वो भारत की ऐसी पहली अभिनेत्री है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इतनी कामयाबी हासिल की है। प्रियंका का नाम विश्व के दिग्गज कलाकारों में लिया जाता है। प्रियंका ने न सिर्फ मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया बल्कि वो मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओशियाना का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म थमिजान से की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ सिपाही से डेब्यू किया था। इसके बाद प्रियंका ने फिल्म अंदाज और सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ मुझसे शादी करोगी में शानदार एक्टिंग की थी। साल 2004 में एतवार फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया जिसकी काफी प्रशंसा भी हुई। साल 2006 से ही प्रियंका ने खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री साबित कर दिया क्योंकि 2006 में आई उनकी दो फिल्में क्रिश और डॉन आर्थिक रूप से उस समय की सबसे सफल फिल्म रही थी। बाद में साल 2008 में आई उनकी फिल्म फैशन ने उनके करियर को ही बदल दिया। साल 2015 में प्रियंका ने अमेरिकी टीवी सीरीज क्वांटिको से हॉलीवुड में कदम रखा और वो अमेरिकन नेटवर्क सीरीज को हेडलाइन करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी। एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ ही प्रियंका बहुत से स्टेज शो भी करती हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर के लिए कॉलम भी लिखती हैं और कई प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं बल्कि वो एक प्रसिद्ध सिंगर भी हैं। उनका गाना एग्जॉटिक काफी फेमस है। ये साल 2013 में आया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी ब्लॉकबास्टर फिल्म मैरीकॉम में भी एक छोटी सी लोरी भी गाई थी।
प्रियंका मानव सेवी काम करने के लिए भी जानी जाती हैं। इसी के चलते वो साल 2010 में यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी। प्रियंका सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती हैं और प्रकृति, स्वास्थ्य और पढ़ाई, महिला शिक्षा और महिला अधिकार और महिला सुरक्षा और समलैंगिकता के प्रचार प्रसार भी करती हैं। इनकी प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ और एजुकेशन नाम की एक संस्था भी है। ये संस्था गरीब जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद करती है। फिल्मी हंसियों के घराने से न होने के बावजूद भी प्रियंका ने खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री में शामिल किया है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और काम में ईमानदारी का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हम आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।